हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपसे शेयर करूंगी अगारो का ये फेशियल स्टीमर, ये सिर्फ स्टीमर नहीं है, मतलब ये आपकी हेयर के लिए भी है एंड बहुत सारी ब्यूटी ब्यूटी रिलेटेड प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकती है। सो एक एक करके मैं आपको ऑब्वियसली बताऊंगी एंड इसके यूजेस भी बताऊंगी, बेनिफिट्स भी बताऊंगी एंड ये कितना इफेक्टिव है वो भी मैं आपको लाइव वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं इसे कैसे यूज करना है एंड इसकी फीचर्स वगैरह सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो बॉक्स ओपन करने के बाद अगारो फेशियल स्टीमर प्रीमा मॉडल का जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरह की दिखती है। ये है एक्सपेंडेबल एंड रोटेटेबल स्प्रे आर्म जहाँ से स्टीम आती है। चलिए देखते हैं इस प्रोडक्ट के साथ आपको क्या क्या मिलती है। कुछ फेशियल बैंड्स मिलते हैं आपको, एक ब्रश मिलती है प्रोडक्ट को साफ करने के लिए, कुछ ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूवर टूल्स भी आपको मिलेगी एंड इसके साथ आपको कुछ एरोमेटिक पैड्स भी मिलेगी। एंड दिस इज़ द नोजल गाइस जो मैं आपको बता रही थी, ये डिटैचेबल है, इसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हो एंड इसे इस तरह से आपको टच करना होता है। आप जैसे चाहो इसे रोटेट भी कर सकते हो एंड चाहो तो एक्सटेंड भी कर सकते हो। एंड ये जो दो विंग्स टाइप का आपको दिख रही है ना, जस्ट जब प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे गर्म होती है, ये दोनों टच कर सकते हो आप आसानी से, आपको गर्म नहीं लगेगी। यहाँ पर आपको वाटर टैंक नोजल मिलेगी जहाँ से आप वाटर को पोर कर सकते हो इसके अंदर एंड ये इस तरह की दिखती है। इसमें आपको दो फंक्शन मिलेंगे, एक है स्टीम एंड एक है ओजोन। नाउ ओजोन जो है इस प्रोडक्ट को बिल्कुल अलग करती है दूसरी स्टीमर से, मैं आपको आगे जाके इसकी फीचर्स बताऊंगी। एंड दिस इज़ द कॉर्ड, कॉर्ड भी काफ़ी बड़ी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ मैं इसमें वाटर भर रही हूँ, हाँ मेक श्योर आप इसमें ना फिल्टर्ड वाटर या फिर मिनरल वाटर ही यूज़ करो, नॉर्मल वाटर आपको इसमें यूज़ नहीं करना है। एंड ये प्रोडक्ट जो है इसकी कैपेसिटी है 300 ml, मैक्सिमम यहाँ पर पानी की लेवल दी हुई है, आपको उसके अंदर ही पानी की लेवल रखना है। इसके बाद मैंने इसे ऑन कर दिया है, 2-3 मिनट मैंने स्टीम मोड में रखा, उसके बाद ओजोन जो स्विच है मैंने उसे ऑन कर दिया। आप देख सकते हो इसके अंदर से जो स्टीम आ रही है कितनी फोर्सफुली आ रही है एंड ये स्टीम बिल्कुल भी आपको हीट नहीं लगता है आपकी फेस पर। मैंने बहुत सारी स्टीमर यूज़ किया है, स्टीमर यूज़ करने से ना मतलब हीट यूज़ करने से आंखों में पानी आ जाती है, इरिटेशन फील होता है, इससे इस तरह के कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिल्कुल धुआं सा ये स्टीम है। पहले मैं हेयर पे यूज़ कर रही हूँ, अगर आपकी हेयर डैमेज्ड है, ड्राई है, फ्रिजी है, आप हेयर स्पा के टाइम या फिर आप हेयर ऑयलिंग के टाइम इसे यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मैं फेस पर भी स्टीम ले रही हूँ। नाउ फेस पर मतलब ये जो प्रोडक्ट है आप मैक्सिमम 25 मिनट तक स्टीम ले सकते हो, फेस पर 10 मिनट इनाफ होता है। ओजोन फंक्शन क्या करती है गाइस, नॉर्मल स्टीमर से इसकी फंक्शन थोड़ी सी अलग है। इससे आपकी पोर्स जो है, स्किन की पोर्स बहुत जल्दी एंड आसानी से ओपन हो जाती है, आपकी पोर्स में जितने भी डर्ट्स है उसे बहुत अच्छी से सॉफ्ट बना देती है, आपकी स्किन की पोर्स में जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसे बहुत आसानी से निकाल देती है। नाउ यहाँ पर मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ, मैंने बस 7-8 मिनट ये स्टीम लिया है, बहुत आराम मिलती है आपको, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, इरिटेशन नहीं होता है, आंखों में पानी नहीं आता है, आपको बहुत कंफर्ट फील होगा। एंड मैं रेगुलर जो है स्किन केयर करती हूँ, उसके बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी नोज़ से कितनी सारी ऑयल्स डर्ट्स निकल रही है एंड वाइट हेड्स भी निकल रही है। आप थोड़ी देर बाद देखना मेरी ये देखिए कितनी सारी डर्ट्स निकली है। तो ये प्रोडक्ट इतनी अमेजिंग है, इतनी इफ़ेक्टिव है, आई थिंक अगर आप घर पे स्किन केयर करते हो रेगुलर बेसिस पे स्किन केयर हेयर केयर, तो ये प्रोडक्ट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसमें आयोनिक वेपोराइजेशन टेक्नोलॉजी है एंड स्किन क्लींजिंग के लिए ये 10 गुना इफेक्टिव है, तो ये आपके पास जरूर होना चाहिए। सो गाइस देखा आपने कि ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, आप लोगों के पास भी इस तरह की एक स्टीमर होना चाहिए फेस के लिए, स्किन के लिए, तो ज़रूर आप ले सकते हो। अगर आप बाय करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जाके बाय कर सकते हो। एंड हाँ, आई होप आज की वीडियो, आज की रिव्यू, आज की प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।